नमस्कार साथियों साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई 2.0 पर। कैसे हो साथियों? नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका आज के राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट में। आपका हार्दिक स्वागत है, सभी दोस्तों को नमस्कार। क्या हाल है साथियों आप सभी के? सबके हाल बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो लगातार आगे बढ़ रही होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जैसा मैं समझता हूँ वैसा सब कुछ परफेक्शन में चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार पुनः। आज राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट आपके लिए। सीताराम जी स्वागत है आपका, प्रदीप जी अभिनंदन है आपका, स्वागत है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार RPSC और RSMSSB बोर्ड के लिए आपसे जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। ठीक है साथियों, अनअकैडमी का प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। क्या है? अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा लेने वाली क्लासेस आपको मिल जाएगी और साथ में वीकली प्रश्नोत्तरी आपको मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है, PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं और अच्छा गाइडेंस आप ले सकते हैं। साथियों करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं, जिससे क्या हो जाए आपका रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर हो जाए। उसके बाद में आप आगे बढ़कर RPSC सेक्शन में जाकर प्लस पॉइंट पर क्लिक करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं और साथ में विष्णु कुमार जांगड़ को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके जितने भी शेष बचे हुए टॉपिक है वहाँ पर भी कंप्लीट हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और अगर विष्णु वन कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपके लिए टेस्ट का प्रोग्राम है और जैसा कि हर हफ्ते ऐसे ही हमारा प्रोग्राम होता है तो आज जो है टेस्ट है, तो इसके लिए तैयार हो आप सभी। चलिए साथियों आपके लिए पहला प्रश्न है, ये वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिम राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? आपके सामने ऑप्शन है यहां पर चार। नंबर वन ऑप्शन है ऊपरी सतह से नीचे की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव होना। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए जल प्रवाह। और तीसरा ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के द्वारा रिसाव। और नंबर फोर ऑप्शन आपके लिए मिट्टी की अपशालन यानी घुलकर बहने की क्षमता। बताइए साथियों कौन सा आंसर इसका सही है। स्वागत है आपका पवन पटेल जी, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, सीताराम जी, प्रदीप जी, ज्योति जी। दो भाई आंसर दो, आप ही के लिए ये टेस्ट पेपर, मेरे लिए नहीं है। सीताराम जी बता रहे हैं सी, ओके। ज्योति जी बता रहे हैं डी। साथियों से शेयर भी कर देना आपके दोस्तों को, ठीक है ना, जिनकी तैयारी चल रही है उन्हें ये भी पता लग जाए कि उनकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, और कमी है तो भ्रम में नहीं रहे कि वो पास हो जाएंगे तो उनका जो मिथ्या है वो भी दूर हो जाए। कान सिंह राठौर जी स्वागत है आपका, सी ऑप्शन बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया साथियों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका और आप सही आंसर दे पा रहे हैं इसका। यानी यही एक प्रक्रिया है जिससे पश्चिम राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। तो ये लिख रखा है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के द्वारा जल रिसाव। साथियों आपने साइंस के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे आप कैपिलरी सिस्टम बोलते हो, हिंदी में बोलते हो केशिकत्व प्रक्रिया। क्या बोलते हो? केशिकत्व प्रक्रिया बोलते हो। और यही वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जब खेत के अंदर ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं तो पानी नीचे जाता है और उसके बाद में केशिकत्व प्रक्रिया के कारण वापस जब ऊपरी सतह पर आता है तो अपनी जो मृदा की परिच्छेदिका होती है, जो सॉइल प्रोफाइल होती है, उसकी जो लवणीय पदार्थ है वो साथ में लेकर आकर यहाँ पर जमा कर देते हैं। इसी से क्या हो जाती है, आपकी मिट्टी लवणीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है या फिर क्षारीय हो जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये है आपके लिए प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो आपके लिए कह रहा है कि राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, माउंट आबू में है, कोटा में है या जयपुर में है? बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, माउंट आबू, कोटा या फिर जयपुर? जल्दी से आंसर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों को, जिससे क्या हो पता भी लग जाए भाई कि आज क्या है टेस्ट का प्रोग्राम है। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, आंसर दीजिए इसका जल्दी से। कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में है कि माउंट आबू में है?
कोटा में है या फिर जयपुर में है। बहुत बढ़िया सीताराम जी, आपका ऑप्शन आया है डी। ज्योति जी बता रहे हैं बी। देखते हैं, देखें, अरे भाई 10 12 15 लाइव हो, आंसर तो दे दो, या फिर इसका भी चार्जेस किया जाएगा तभी आंसर दोगे आप। कान सिंह जी बता रहे हैं डी। ओके साथियों, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। जैसलमेर में नहीं है, माउंट आबू में नहीं है, कोटा में नहीं है, और ये कहाँ पर है आपके, डी ऑप्शन साथियों कहाँ पर है ये आपके, जयपुर में स्थित है। बिल्कुल सही ऑप्शन है आप सभी का। सपना जी, सुभाष जी, सज्जन सिंह, चारण जी, बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन आया है आपका, बहुत बढ़िया। जय हिंद, स्वागत है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर है एक बार फिर। 80 डिग्री से 150 डिग्री औसत वार्षिक वर्षा और 30 डिग्री से 34 डिग्री वार्षिक औसत वार्षिक तापमान, यानी 150 सेंटीमीटर वर्षा और 34 डिग्री औसत वार्षिक तापमान राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। बताइए कौन से जलवायु प्रदेश की विशेषता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए साथियों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने चल रहे हैं। अगर इन प्रश्नों का आप बेहतर आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक है। बताइए साथियों, अति आर्द्र प्रदेश है या फिर आर्द्र प्रदेश है या फिर अर्ध शुष्क है या फिर इनमें से कोई नहीं है। सीताराम जी बता रहे हैं ए, सुभाष जी बता रहे हैं ए, सज्जन सिंह जी बता रहे हैं बी। ओके कानाराम यादव जी, स्वागत है आपका, आप बता रहे हो ए, बहुत बढ़िया। बी आर साहब बता रहे हैं ए। चलो साथियों देखते हैं, देखें साथियों, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जब वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा राजस्थान के अंदर क्या होती है। अगर पूरे राजस्थान की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, अरावली के अंदर 50 सेंटीमीटर, पूर्वी राजस्थान के अंदर 80 सेंटीमीटर और दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो हाड़ौती का पठार है यहाँ पर आपकी 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है साथियों, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो साथियों ये वाला जो प्रदेश है आपके, ये वाला शुष्क प्रदेश है, ये अर्ध शुष्क है, ये आर्द्र है और ये वाला अति आर्द्र है। तो ये हाड़ौती प्रदेश की बात कर रहा है, दक्षिणी राजस्थान की बात कर रहा है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई सभी का। सभी ने आंसर सही दिया है। सज्जन सिंह जी आंसर बी नहीं होगा, ए होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है, यानी वनों का प्रकार है और किसका कौन सा परसेंट ज़्यादा है, फिर कौन सा कम है, इस तरह से आपको ये सेट करना है। तो देखो, शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये इस प्रकार से 4 वन है। इन्हें जल्दी से सेट कीजिए जिससे इसका आंसर आपको आप हमें सही रूप से बता सकें। बताइए साथियों क्या आंसर है इसका, सबसे ज़्यादा कौन से वन हैं, उसके बाद कौन से हैं, उसके बाद कौन से हैं और सबसे कम किस प्रकार के वन राजस्थान में है। अगर आपको वो मैप याद है, वो परसेंटेज याद है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है उसके अंदर दोबारा देख लेना भाई, राजस्थान की वन संपदा और जो वन रिपोर्ट है वहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर नहीं पढ़ा हो तो पिछली वाली क्लास के अंदर जाकर वो देख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान वन रिपोर्ट से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। रोहित जी बता रहे हैं ए। ओके ज्योति जी बता रहे हैं ए, आकाश जी बता रहे हैं ए। आकाश त्यागी जी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ चले गए थे आप, जल्दी से दो भाई आंसर। सज्जन सिंह जी बता रहे हैं डी। अच्छा तो आपको मैं बता देता हूँ साथियों कि इसका ऑप्शन बिल्कुल आपके क्या आएगा। कान सिंह राठौर जी कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन ए है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। साथियों आप जानते हो कि आपके 0.36% ये वाला जो एरिया है ये किसके लिए है, आपके सदाबहार वन के लिए है। राजस्थान में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं उनका क्षेत्रफल कुल वनों के 1% से भी कम है, जो कि आपके माउंट आबू क्षेत्र में मिलते हैं। यानी सदाबहार वन आपके 1% के आसपास हैं। जो आपके कांटेदार वन है जो आपके पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं ये आपके 6-7% के बीच में है। जो आपके मिश्रित वन है जिसे आप मानसूनी वन कहते हो ये आपके लगभग 28% के आसपास है।
और जो आपके शुष्क पर्णपाती वन है जिन्हें आप अर्ध शुष्क वन भी कह सकते हो साथियों, ये वाला जो वन है आपके 58% के आसपास है राजस्थान में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शुष्क पर्णपाती 58% के आसपास है, मिश्रित पर्णपाती 28% के आसपास है, कांटेदार 6% के आसपास है, और जो सदाबहार वन है वो 1% के आसपास है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है साथियों। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर जिले में कौन सा आखेड़ निषेध क्षेत्र नहीं है? गगवान, सोरसन, सोकलिया या फिर तिलोरा, कौन सा आखेड़ निषेध क्षेत्र आपके अजमेर जिले में नहीं है? आपको मैंने बताया था कि हमारे राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, हमारे राजस्थान में 33 हमारे आखेड़ निषेध क्षेत्र बनाए गए हैं, और उन आखेड़ निषेध क्षेत्र में से ये प्रश्न ये है कि अजमेर में कौन सा आखेड़ निषेध क्षेत्र नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। ओके, पवन पटेल जी का आंसर आया है, अजय गुप्ता जी बता रहे हैं ए, उमा ठाकुर जी बता रहे हैं बी, सीताराम जी बता रहे हैं बी, अनिल यादव जी बता रहे हैं बी। बिल्कुल सही बात है भाई साथियों, आप सभी का लगभग आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। अजय जी थोड़ा आपने मिस्टेक किया है, बाकी सभी का आंसर सही आया है साथियों। ये है सोरसन, सोरसन जो है आपके अजमेर ज़िले में नहीं है। सोरसन कहाँ पर है? आपके बारा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? बारा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावन। सोरसन बारा में गोडावन मिलते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा साकलिया अजमेर में गोडावन मिलते हैं, और आपके पश्चिमी राजस्थान का जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहाँ पर गोडावन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, सोरसन बिल्कुल सही आंसर है साथियों। अब आया है आपके सामने प्रश्न नंबर 6 साथियों, इसे शेयर करते रहा करो, आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभयारण्य स्थित है, कनक सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बांसी दुगारी बूंदी, दर्रा कोटा, सज्जनगढ़ उदयपुर या घना भरतपुर। साथियों बताइए कहाँ पर आपके कनक सागर पक्षी अभयारण्य स्थित है? मोनू जी आंसर दीजिए। अरे पवन पटेल जी कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानूंगा मैं, लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। आपका इंडस्ट्री वाला टॉपिक कल या परसों में कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद में जो आपके एक तो परिवहन वाला टॉपिक है वो करवा के और लगभग कंप्लीट होने वाला है, और एक खनिज संपदा है, दो टॉपिक और बचे हैं आपके। अजय गुप्ता जी बता रहे हैं बी, ओके। राज सिंह जी बता रहे हैं सी। साथियों शेयर कर दो इसे जल्दी से, जितने भी साथी हैं सभी आ जाएं। रवि जी बता रहे हैं सी, सीताराम जी बता रहे हैं ए, बहुत बढ़िया। देखते हैं साथियों, देखिए क्या है। रवि चावला जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। सपना जी बता रहे हैं सी, मानसी जी बता रहे हैं सी, मोनू जी सी, ओके। देखते हैं साथियों, 1987 में कनक सागर, कनक सागर कहाँ पर है साथियों? उसी हिसाब से आपने सी किस तरह से आप बता रहे हैं। हाँ वो हो जाएगा पवन पटेल जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके बूंदी में है मेरे प्यारे मित्रों। कहाँ पर है? बूंदी में। कनक सागर झील कहाँ पर है? आपके उदयपुर में थोड़ी है कनक सागर झील। राज सिंह शेखावत जी बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? आपके बांसी दुगारी बूंदी में है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन सी सभी का गलत हो गया है भाई, ठीक है ना। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। हाड़ौती अंचल यानी हाड़ौती प्रदेश में सोरसन क्षेत्र विशेष रूप से गोडावन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर गोडावन का स्थानीय प्रचलित नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स के नाम से जानते हैं, माल मुरडी के नाम से जानते हैं, या फिर टोरडी के नाम से जानते हैं? इसका प्रश्न का मतलब है, गुड इवनिंग सपना जी, स्वागत आपका। मोनू जी आंसर दीजिए इसका, आपने बताया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके। राज सिंह शेखावत जी उदयपुर में नहीं है। बताइए साथियों, हाड़ौती अंचल, झीलों वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था ना, तो झीलों वाला टॉपिक जाके पढ़िए, वहां पर लिखवाया था मैंने इस बात को आपको, ओके। अजय जी बता रहे हैं डी, कांत सिंह राठौर जी बता रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ज्योति जी बता रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके।
राज सिंह सेकल बता रहे हैं डी। ओके अनमोल जी बता रहे हैं ए। साथियों प्रश्न समझ पा रहे हैं ना आप? बहुत बढ़िया साथियों, शाबाश, बहुत अच्छा। अरे कोई दिक्कत नहीं है राज सिंह जी, सॉरी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सीखने सिखाने आए हैं, सॉरी का कहीं भी काम नहीं है यहाँ पे। बहुत बढ़िया साथियों, कुछ ही दोस्त इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। मोनू जी सही है आपका आंसर, अनिल जी आपका आंसर सही है, सुभाष जी आपका आंसर सही है। साथियों हाड़ौती प्रदेश में इसे माल मोरडी कहते हैं, क्या बोलते हैं? माल मोरडी बोलते हैं हाड़ौती प्रदेश में। बताया था मैंने आपको जब राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन के बारे में हमने 15 मिनट से 25 मिनट तक चर्चा करी थी, तब मैंने इस बारे में बताया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया आपने। ऑप्शन सी इज राइट, माल मोरडी। साथियों एक प्रश्न है आपके सामने, आम, नीम, बड, गूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? पर्वतीय वनस्पति में आते हैं, घनी वनस्पति में आते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति में आते हैं, या फिर प्राकृतिक वनस्पति में आते हैं? सोच समझ कर आंसर दीजिएगा प्यारे मित्रों, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल माल मोरडी उसका आंसर हो गया है। अब अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। अच्छा अजय जी बता रहे हैं ए। ओके राज सिंह जी बता रहे हैं बी। ओके जल्दी करो साथियों, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है? क्वेश्चन बड़ा ही टफ है। सुभाष जी बता रहे हैं डी। ओके कुशाल जी बता रहे हैं डी, सीताराम जी बी, सपना जी बता रहे हैं ए, अनमोल जी बता रहे हैं बी। देखते हैं साथियों, देखिए क्या है साथियों, ये प्रश्न आपको घुमाने वाला प्रश्न है। क्या है? घुमाने वाला प्रश्न है साथियों, ठीक है ना? आपको बता दूं मैं, आम, नीम, बड़ और गूलर ये कहाँ पर उगते हैं आपके? मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं? पूर्वी राजस्थान में। तो पूर्वी राजस्थान में पर्वतीय वनस्पति है क्या? नहीं है। घनी वनस्पति है क्या? नहीं है। मरुस्थलीय वनस्पति है क्या? नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? प्राकृतिक वनस्पति। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे मित्रों? प्राकृतिक वनस्पति। तीन बार मैंने बोला था कि प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आपने ध्यान से नहीं देखा और इसका आंसर गलत कर बैठे हो, ठीक है ना? बहुत बढ़िया आकाश जी सही है, कानाराम जी आपका बिल्कुल आंसर सही है, अनिल यादव जी आपका आंसर सही है, मानसी जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भैया? आम, नीम, बड़, गूलर ये सभी पूर्वी राजस्थान में उगते हैं, और पूर्वी राजस्थान में पर्वतीय वनस्पति नहीं है, घनी वनस्पति आपके माउंट आबू में है, मरुस्थलीय वनस्पति पश्चिमी राजस्थान में है। तो क्या बचा? प्राकृतिक वनस्पति बचा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 1972, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1972 या फिर 15 अगस्त 1973? बड़ा ही आसान सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है भैया। भाई बड़ा ही महत्वपूर्ण है एनवायरनमेंट वाला टॉपिक, आपकी राजस्थान पुलिस की बात करें चाहे पटवारी की बात करें, सभी के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है? इसलिए पता होना चाहिए आपको ये। जब मैंने आपको राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व बताए थे, तब मैंने आपको कुछ अधिनियम के बारे में भी बताया था, ठीक है साथियों? तो ये उन्हीं अधिनियम में से ये आंसर आया है। ओके राज सिंह जी बता रहे हैं बी, मानसी जी बता रहे हैं सी, अनिल यादव जी बता रहे हैं सी, शिवानी जी बता रहे हैं सी, सुभाष जी सी, सवाई माधोपुर बहुत बढ़िया साथियों, सीताराम जी बहुत बढ़िया, सपना जी बता रहे हैं सी। क्या चक्कर है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना गलत क्यों कर देते हैं आप? बिल्कुल सही है राज सिंह जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को भारत के अंदर क्या राष्ट्रीय पशु बाघ अभयारण्य की जो संरक्षण परियोजना है टाइगर प्रोजेक्ट में लागू किया गया था, और इसके तहत भारत का जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? आपके जिमी कॉर्बेट, जिमी कॉर्बेट ये आपके पहला टाइगर प्रोजेक्ट था भारत का, जो कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में है। और जिमी कॉर्बेट की स्थापना 1835 के अंदर की गई थी, और जिमी कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। तो यहाँ पर शुरू किया गया था ये वाला प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10,
राज्य का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है जहां हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियों और औषधीय पेड़ पौधे उपलब्ध है? बिल्कुल सही कह रहे हो, गई पानी में। अब इसका आंसर दीजिए कि हिमालय के बाद में सबसे ज्यादा दुर्लभ वनस्पति और औषधीय पौधे कहाँ पर है? रणथंभौर में है, सरिस्का में है, फुलवारी की नाल में है, या फिर सीता माता में है? जल्दी से बताइए साथी, वो आंसर आप ही के लिए प्रश्न है, ये आप ही को आंसर देना है इसका। देखिए कौन कितना सही आंसर देता है, क्या हुआ भाई, आंसर दो ना जल्दी से, इतना किस लिए वेट कर रहे हो? अच्छा राज सिंह जी बता रहे हैं डी, ओके देखते हैं, देखिए राज सिंह जी आपका सही निकलता है क्या। सुभाष जी बता रहे हैं सी, ओके। भूपेंद्र सिंह जी बता रहे हैं बी, अच्छा। सीताराम जी डी, मानसी जी डी, ओके। साथियों इसे लाइक शेयर कौन करेगा, 35 से ज़्यादा लाइव आ रहे हैं और इस पर लाइक है ही नहीं अभी, क्यों भाई क्या बात है, इतनी नाराज़गी किस लिए है भैया? भूपेंद्र जी बी, ओके। धनराज जी बता रहे हैं सी। साथियों मतलब जो है आपकी तैयारी में थोड़ी सी प्यूरीफाई करने की आवश्यकता है भाई, अगर आप पुलिस वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लासेस पूरी देखिए, आप इसका सही आंसर नहीं दे रहे हैं। यह आंसर है डी, जो सीता माता अभयारण्य है आपके। बिल्कुल राज जी, मोनू जी आपका आंसर सही है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। सीता माता अभयारण्य आपके प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, यहाँ पर कर्म मोचनी नदी का उद्गम होता है और सीता माता अभयारण्य से ही आपके जाखम नदी बहती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा औषधीय पौधे मिलते हैं, यहाँ पर उड़न गिलहरी मिलती है साथियों, ठीक है ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सीता माता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों क्वेश्चन नंबर 11, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बताइए साथियों। साथियों लाइक शेयर जरूर कर दो, कमेंट जरूर करना इस पे, ठीक है। आप कुछ नहीं करते हो तो मतलब वो वाली बात मत करो कि फ्री की चीज़ पचती नहीं है, हाँ वो वाली बात मत करो भाई, बताइए कहाँ पर है। सुभाष जी ने तो कर दिया अपने आप को सरेंडर, ठीक है ना, कि साहब मुझे नहीं आता है ये प्रश्न, देखते हैं आगे। भूपेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया, सुभाष सिंह जी बी, ओके। राज सिंह जी ओके, जोधपुर। रमेश जी सी, कानाराम यादव जी बता रहे हैं बी, अच्छा कानाराम यादव जी बहुत बढ़िया। ज्योति जी ए, सीताराम जी बी। साथियों भूपेंद्र जी आपका आंसर बिल्कुल सही आया है इस बार, ज्योति जी आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन है साथियों जयपुर, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है ये आपके जयपुर में स्थित है, ये जोधपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, भरतपुर में नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। बी आर जी साहब जी आपका आंसर गलत है, सी नहीं होगा, क्या होगा, जयपुर होगा भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है, जय माँ भवानी साहब बहुत बढ़िया, किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? साथियों बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कौन सा बांध है जिसका लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? अडवान बांध, अजान बांध, सरेरी बांध या फिर मेजा बांध? जल्दी से बताइए, इससे सरल आंसर कुछ नहीं हो सकता है, इससे सरल प्रश्न कुछ नहीं हो सकता है, जल्दी से आंसर दीजिए। साथियों इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट भी करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इतना तो बनता है भाई। हाँ जय माँ भवानी बोल के अच्छे से आंसर दीजिए, सही से आंसर दीजिए भाई, गलत नहीं करना है। ज्योति जी बता रहे हैं ए, सीताराम जी बता रहे हैं बी, राज सिंह शेखावत जी थोड़ा सा गलत कर रहे हैं आप, उमा ठाकुर जी बता रहे हैं बी, ओके। सुभाष जी बी, मोनस्टर बता रहे हैं बी, मोनस्टर वाह। सुनीता जाखड़ जी बता रहे हैं ए। साथियों क्या बात है भाई, तैयारी इतनी कमजोर कैसे है? मेजाबान पाली में नहीं है, राज सिंह शेखावत जी मेजाबान पाली में नहीं है। साथियों भीलवाड़ा के अंदर अडवान बांध है बिल्कुल सही है, सरेरी बांध है बिल्कुल सही है और कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध है भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। साथियों अजान बांध यहाँ पर भीलवाड़ा में नहीं है, अजान बांध आपके कहाँ पर है? आपके भरतपुर में है मेरे प्यारे मित्रों, अजान बांध कहाँ पर है आपके? भरतपुर में है।
आपको पता है जयपुर की जो बेराट की पहाड़ियां हैं, यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है, बाणगंगा नदी है। और इस बाणगंगा नदी के ऊपर जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है और दौसा के अंदर दो बांध बने हुए हैं, रेडियो सागर और माधो सागर। और भरतपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अजान बांध, और ये बाणगंगा नदी पर है और भरतपुर में है। गुड इवनिंग, स्वागत है। और इस अजान बांध से एक नहर निकाल कर आपके केवलादेव घाना पक्षी विहार के अंदर पानी पहुंचाया जा रहा है। अब आप जानकर ताजुब करोगे कि आपकी ये वाला ही ऑप्शन जो है, आपके जयपुर वाला ही जम्मू रामगढ़ बांध नहीं भर रहा, क्योंकि बाणगंगा नदी अतिक्रमण से ग्रसित है। इसीलिए यहाँ पर आपके करौली के अंदर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है पांचना बांध, और पांचना बांध कहाँ पर है, करौली में है। और इस करौली के पांचना बांध को अजान बांध से जोड़ा गया, और इस पांचना बांध से पानी अजान बांध में आता है, और उसके बाद में पानी केवलादेव घना पक्षी विहार में जाता है भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो ये समझ गए, अजान बांध कहाँ पर है आपके, भरतपुर में है, और मेजा बांध कहाँ पर है आपके, भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, बताइए कौन सा युग्म गलत युग्म को चुनिए, यानी कौन सा मिस मैच है। गढ़सी सर बीकानेर में, गेव सागर डूंगरपुर में, कायलाना जोधपुर में, और चांद बावड़ी दौसा में, बताइए साथियों। अच्छा, आपके घर से कुछ दूर है, बहुत बढ़िया सुभाष सिंह जी, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों बताइए इसका आंसर, बिल्कुल करौली में है पांचना बांध, मिट्टी का बांध है, यूएसए के द्वारा बनाया गया था, अभी तो कंक्रीट का बना दिया गया है। और करौली की आकृति भी बतख के समान है, क्योंकि पांचना बांध के अंदर पांच नदियां आकर मिलती है, अट्टा, मेजा, भद्रावती, बोरखेड़ा और भैसावट। पिंटू यादव जी बता रहे हैं सी, ओके। ज्योति जी बता रहे हैं ए, सीताराम जी बता रहे हैं ए, अनिल जी बता रहे हैं बी। अच्छा, पिंटू जी ने क्या बताया, कायलाना बीकानेर, ओके पिंटू जी, देखते हैं अभी कायलाना बीकानेर में है कि जोधपुर में है। राज सिंह जी बता रहे हैं ए, ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लगभग सभी दोस्तों का। चांद बावड़ी कई बार एग्जाम में आ गई है, दौसा में है, कायलाना जोधपुर में है, और कोलायत कहाँ पर है, बीकानेर में, गेव सागर डूंगरपुर में है, और गढ़सी सर कहाँ पर है, बीकानेर में नहीं है, ये आपके कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ऑप्शन ए जो है ये गलत है भाई, गढ़सी सर झील बीकानेर में नहीं है। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया उमा ठाकुर जी। कोठारी नदी भीलवाड़ा के किस स्थान पर बनास में मिलती है। आप ये जानते हैं कि कोठारी नदी जो है बनास की सहायक नदी है, मैं पूछ रहा हूँ कि भीलवाड़ा में किस स्थान पर बनास में मिलती है, पीनाहट, रामेश्वरम, बिंगोद या फिर नंदराय, जल्दी से आंसर दीजिए, बड़ा ही सिंपल प्रश्न आपके सामने आया है। बिल्कुल सही कह रहे हो धनराज जी, संजय जी, बहुत बढ़िया राइट आंसर आ रहा है आपका लगातार, बहुत अच्छी बात है। मोनस्टर जी बता रहे हैं सी, यानी बिंगोद बताया है उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल मोहन पटेल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बताइए भाई सी सी सी, ओके बिंगोद, बहुत बढ़िया। साथियों कोठारी नदी कहाँ पर मिलती है, क्या बिंगोद बिंगोद कर रहे हो आप लोग, मुझे लग रहा है आप जो है रिवीजन नहीं करते हो। बिंगोद में कहाँ पर मिलती है कोठारी नदी, कोठारी नदी मिलती है नंदराय में, कहाँ पर मिलती है, नंदराय में। बिंगोद में क्या मिलती है पता है क्या आपको, ये जो आपके जो बनास नदी है इसके अंदर दो नदियाँ आकर मिलती है, एक का नाम है बेड़च और एक का नाम है मेनाल, यानी ये बेड़च नदी और ये मेनाल नदी और ये आपके जो बनास नदी, ये तीनों आकर मिलती है बिंगोद में, तो समझ गए ना। तो ये क्या है, नंदराय है, गलत मत करो भाई, गलत मत करो, नंदराय नामक स्थान पर भीलवाड़ा में कोठारी नदी कहाँ पर मिलती है, बनास में। साथियों क्वेश्चन नंबर 15, चंबल नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये कई बार भेड़ चाल के जैसे चलते हैं लगातार, टिक टिक टिक, एक देख लिया ऊपर वैसा ही टिक मारते रहेंगे नीचे। चंबल नदी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए भाई, चार यहाँ पर स्टेटमेंट है।
यह नदी राजस्थान के साथ साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। न्यूनतम अवनालिका अपरदन इसी नदी से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी से प्राप्त होता है। यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए और बी सही है, सी और डी सही है, ए सी डी सही है या केवल डी सही है। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता। साथियों शेयर करते रहिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा, कानाराम यादव जी बता रहे हैं ए, उमा जी बता रहे हैं सी, ओके, ज्योति जी बता रहे हैं डी। साथियों सही बताना है, प्रश्न तो सही पढ़ा है ना आपने। सुभाष जी बता रहे हैं सी, अनिल जी बता रहे हैं सी, ओके। बिल्कुल साथियों, ये नदी राजस्थान के साथ में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, सही बात है। ये नदी न्यूनतम अवनालिका अपरदन करती है, ये गलत बात है साथियों। सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन करती है, यानी ए सही है, बी गलत है। सबसे ज़्यादा सतही जल इसी में है, बिल्कुल सही है, और ये आपके चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए सी और डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है भाई, और बिल्कुल सही है पिंटू जी आपका आंसर, सुनीता जी बिल्कुल सही है, राज सिंह जी बहुत बढ़िया। साथियों राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3 और 4 सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति को प्रदर्शित किया है, ठीक है ना, 4 सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति को प्रदर्शित किया है। अब इनमें से ये देखना है कि इनमें से कौन सी एक को मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया, यानी कोई एक ऐसी है जिसको मानचित्र के ऊपर सही जगह पे शो नहीं किया गया है, आपको बताना है कि वो कौन सी है। माही बजाज सागर, चंबल, बीसलपुर और सिद्धमुख नोहर परियोजना, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए भाई दोस्तों, यानी ये जो 4 परियोजनाएं हैं इसके अंदर कौन सा मानचित्र में सही नहीं शो किया गया। नीरज कुमार जी बता रहे हैं सी, ओके, ज्योति जी बता रहे हैं सी, ओके। जल्दी से आंसर दो भाई, इतना टाइम मत लगाइए आंसर देने में, जिससे आगे बढ़े। बारह में कहां जाया है सर, चलो साथियों देखते हैं। बिल्कुल आपकी जो माही बजाज सागर परियोजना है ये यहीं पर है, जो चंबल परियोजना है ये यहीं पर है, जो सिद्धमुख नोहर परियोजना है ये चूरू के आसपास है, बिल्कुल यहीं पर है, लेकिन जो आपके बीसलपुर परियोजना है ये नागौर के आसपास का क्षेत्र है, जबकि बीसलपुर आपके टोंक में है और यहाँ पर आपके ये जयपुर वाला एरिया है और यहाँ पर ये बीसलपुर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, तो ये बीसलपुर आपके गलत जगह पे शो कर रहा है। बिल्कुल आप लगभग सभी का आंसर सही आया है, ऑप्शन सी, बीसलपुर सही जगह पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। साथियों क्वेश्चन नंबर 17, बाड़मेर में सुजलम योजना का संचालन कौन कर रहा है, आपको पता है, हाँ वो बारा नहीं है पवन पटेल जी, बारा नहीं है, ठीक है ना, बारह होता तो ये जो आपके 2 लिखा हुआ है ये कोने के अंदर लिखा होता, मैप देखिए साथ में, मैप हाथ में रखिए। बाड़मेर में सुजलम योजना का संचालन कौन कर रहा है भैया, ये बताइए, केंद्र सरकार और रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जयपुर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर और भामा और बाभा, ये सही नहीं लिखा हुआ, बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या फिर ऑप्शन डी है, केंद्र सरकार और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। बताइए साथियों, जो बाड़मेर में सुजलम परियोजना है, आधे दोस्तों को तो पता ही नहीं होगा कि बाड़मेर में सुजलम परियोजना है, बिल्कुल है भाई, और खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है, किसको, खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए, यानी आप यूँ कह सकते हो कि खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाने के लिए परियोजना चलाई जा रही है, ओके। संजय जी, सीताराम जी, सुभाष जी, ज्योति जी, अनिल जी, राज सिंह, शेखावत जी, सभी का आंसर क्या आया है,
स्टेट सेंटर, बहुत बढ़िया पिंटू जी, सभी का आंसर बी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी के सभी गलत हो, यानी सभी का आंसर क्या है, गलत है भाई। एक भी दोस्त का आंसर अभी सही नहीं आया है, क्या तैयारी है आपकी भाई। देखो ठीक है ना, एक भी दोस्त ने सही आंसर नहीं दिया है, 35 से ज़्यादा लाइव शो कर रहे हैं लेकिन एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है। इसलिए बोलते हैं साथियों, जब फ्री के अंदर भी अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ लीजिए, जिससे आने वाली एग्जाम में क्या हो, आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अपने आप को क्या है कि ज़्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए, कई बार गड़बड़ हो जाता है। ये क्या है, ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। एक भी दोस्त का सही नहीं आया है भैया, समझ गए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। साथियों आपको बताना है कि कौन सी परियोजना बूंदी जिले के अंदर नहीं है। सूक्ष्म परियोजनाएं हैं जो बूंदी जिले में है, पबेलपुरा, चातण, गुड़ा, चिरमिरी। कौन सी परियोजना है जो आपके कहां पर नहीं है, हरीश पूनिया जी? अब देखो क्या है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अपन किसी को नहीं बदलते। अब मेरे को इतने दिन हो गए हैं आपके साथ में जुड़े हुए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी आपने देखा होगा, मेरा जो मैटर है उसको भी आपने देखा होगा। अब भी आपको विश्वास, तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैटर में दम है या नहीं है। मैं आपको स्टडी करवाते समय सब कुछ अपडेट करता हूँ, करंट अफेयर्स डालता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको उसमें इकोनॉमी सर्वे की योजनाएं बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं बताता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जाने की संभावना बहुत कम रह जाएगी, 90% मुझे नहीं पता 90% है कि 100% है, लेकिन बढ़िया अपना मैटर चल रहा है, बहुत बढ़िया। साथियों क्या ऑप्शन दिया, संदीप जी बता रहे हैं डी, बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल आपका आंसर। सुभाष जी बता रहे हैं सी, चिरमिरी क्या है भाई ये चिरमिरी, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही है। चिरमिरी एक सिंचाई परियोजना है जो काम पर है आपके राजस्थान के दूसरे सबसे छोटे जिले दौसा। दौसा के अंदर दो परियोजना है, एक का नाम है चिरमिरी परियोजना और एक का नाम है झिरमिरी परियोजना। ये दोनों परियोजना कहाँ पर है, दौसा में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों, दौसा में है। इसलिए ये जो चिरमिरी परियोजना है बूंदी में नहीं है, जबकि पबेलपुरा, चाकण और गुड्डा परियोजनाएँ कहाँ पर है, आपके बूंदी जिले में है। आकांक्षा जी स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। राज सिंह जी सवास। चलिए साथियों, बड़ा ही आसान प्रश्न है और आरएएस प्री 2016 और पुलिस कांस्टेबल जो लास्ट वाली लगी थी उसके अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। बांकली बांध कहाँ पर स्थित है, चंबल नदी पर है, सूकड़ी नदी पर है, बनास नदी पर है या नक्की झील के पास में है, बताइए साथियों कहाँ पर है ये आपका। अच्छा हाँ भाई, इसका आंसर दीजिए अब। साथियों बताइए, साथियों आप डेली अगर राजस्थान का टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे साथ आप लगातार डेली में राजस्थान का टेस्ट लेता हूँ रात को 9 बजे। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लीजिए। डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट लूँगा जब तक कि आपकी एग्जाम नहीं आ जाती, ठीक है ना। जब तक एग्जाम लगेगी डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे पास में ऑप्शन आ रहे हैं, नीरज जी बता रहे हैं ए, बहुत बढ़िया, सुनील जी बता रहे हैं बी, सुकन्या जी बता रहे हैं ए, अनिल जी बता रहे हैं दो। देखते हैं साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, नक्की सिरोही में है, बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी बता रहे हैं सी। ज्योति जी क्या चक्कर है भाई, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या, क्या बात है। बांकली बांध कहाँ पर है, जालौर में है, और जालौर में कौन सी नदी बहती है, सूकड़ी नदी बहती है। कौन सी बहती है, सूकड़ी नदी, जो कि लूणी की सहायक नदी है, और सूकड़ी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है कुलवाना नदी। यानी सूकड़ी और कुलवाना नदियों के संगम पर है बांकली बांध, और बांकली बांध कौन से जिले में है, आपके जालौर जिले में है। याद करो मैंने आपको चंबल, आपको लूणी नदी बताई थी, तो लूणी नदी के ऊपर चार बांध बताए थे ना, उसी में से एक बांध मैंने आज पूछ लिया है आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, मोनू जी कोई बात नहीं होगा ऑफ। IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर से
निम्न में से किस जिले में जल उपलब्ध नहीं होगा, यानी गुरु जम्बेश्वर जो आपके लिफ्ट नहर है वो कहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं कराएगी, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या नागौर में? जल्दी से आंसर दीजिए। स्वागत है आपका निर्मल जी, निर्मला जी स्वागत है, जालौर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों लाइक शेयर तो कर सकते हो आप इसे, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर देना भाई। आंसर नहीं आता है, आंसर नहीं आता है। सुभाष जी क्या हो गया सर, लाइट नहीं है? अरे भाई लाइट तो ठीक है सर, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते क्या? अरे मोनेस्टर राजपूत जी कैसे नहीं पढ़ते, आपके कमेंट पढ़ने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल भाई सबका आंसर सही आया है, ज्योति जी का आंसर गलत है, सुभाष सिंह जी का, अनिल जी का, आशा जी का, संदीप जी का, सुभाष जी का, मोनू जी का, काला राम यादव जी, भाई सभी का सही है। और ये बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, नागौर के अंदर आपके गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर नहीं जाती है, ये आपके बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर जो है पानी की सप्लाई करती है, नागौर में नहीं जाती है भाई। साथियों क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट आदि किस उद्योग के निर्माण में आवश्यक हैं? रासायनिक उर्वरक में, सीमेंट में, दवाइयों के निर्माण में या फिर चीनी उद्योग में? जल्दी से बताइए भाई आंसर। अरे कैसे नहीं पढ़ते हैं, आप कमेंट तो पढ़ रहे हो, आप कमेंट तो कीजिए। बताइए बताइए भाई जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया। मुक्ति धाम मुकाम राज सिंह शेखावत जी, आंसर बताइए इसका क्या है। ओके ललवीर गुजर जी बता रहे हैं ए, ओके पिंटू जी बता रहे हैं बी, सीताराम जी ए, निर्मला जी ए, सुक्रिया जी बता रहे हैं ए, उमा ठाकुर जी ए, राहुल जी ए, राज सिंह जी बी। ओके देखते हैं साथियों क्या है। साथियों आपके चीनी उद्योग के अंदर पाइराइट और रॉक फॉस्फेट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, दवाइयों के अंदर भी किया जाता है लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है आपके जो रासायनिक उर्वरक है, जो आपके खेत के अंदर किसान भाई लोग जो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वहाँ पर क्या है इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी रासायनिक उर्वरक इसका बिल्कुल आंसर है। निर्मला जी बहुत बढ़िया, मोहम्मद साहब जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। संदीप जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। साथियों आपको ये कुछ क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं और ये खनिजों के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। सीमेंट में भी किया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ यहाँ पर ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट आपके जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है साथियों। तलवाड़ा, लीलवानी, कालाकूटा, यहाँ पर मैग्नीज निकलता है, मोरिजा, डाबला, नीमला, लोहा निकलता है, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, हीरा निकलता है, पलाना, खारी और चानेरी, कोयला निकलता है, बताइए साथियों कौन सा गलत है, जल्दी से आंसर दीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सी आया है। ज्योति जी सी, सीताराम जी सी, भाई इस बार तो पकड़ लिया है आप लोगों ने और सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं, कहीं भेड़ चाल तो नहीं है, कहीं सबके सब गलत कर दो हैं, इस बात का ध्यान रहे। संदीप जी आंसर डी आया आपका, चलिए 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 बहुत बढ़िया साथियों। साथियों हीरा का उत्पादन हमारे काला गुमान क्षेत्र में होता है, ठीक है ना, और ये क्या है, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ये हमारे बाड़मेर क्षेत्र में तेल के कुएं हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से तो क्या प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल निकलता है पश्चिमी राजस्थान में, तो ऑप्शन सी क्या है, मिसमैच है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बाड़मेर में है ये और ये क्या है, मिसमैच है, यानी यह मंगला, ऐश्वर्या और रागेश्वरी से हीरा नहीं निकलता है, तेल निकलता है या फिर प्राकृतिक गैस निकलती है। साथियों अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सही है सुभाष जी आपका, डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? डोरा पर्वत जो है अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है, अलवर क्षेत्र में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, नाहरगढ़ में या फिर शेखावाटी में? बिल्कुल सही है संजय जी, जल्दी से आंसर दीजिए कि डोरा पर्वत का कौन सी कहां पर है, अलवर क्षेत्र में है कि आबू पर्वत क्षेत्र में है कि नाहरगढ़ में है कि शेखावाटी में है?
हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोनू जी, आंसर दीजिए भाई। डोरा पर्वत कहाँ पर है? ज्योति जी बता रहे हैं डी, राहुल जी बता रहे हैं बी, लखन शर्मा जी बता रहे हैं बी, आशा जी बता रहे हैं डी, संजय जी बता रहे हैं ए, मोहम्मद साहब बता रहे हैं बी। ओके हाँ, राज सिंह जी शेखावत बहुत बढ़िया, उमा ठाकुर जी भी, देखते हैं साथियों। राज सिंह शेखावत जी बता रहे हैं। राज सिंह जी थोड़ी सी तैयारी आप अच्छे से कीजिए दोस्त, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, ठीक है? नहीं भाई, देखो डोरा पर्वत कहाँ पर है? आपके जालोर क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है? जालोर क्षेत्र में है, ठीक है ना? और ये जो आपके अलवर है ये जालोर के पास में नहीं है, नाहरगढ़ जयपुर जालोर के पास में नहीं है, शेखावाटी जालोर के पास में नहीं है, जालोर के पास में सिरोही है यानी आबू पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में है? जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सबसे बेस्ट क्या है? आबू पर्वत श्रेणी, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये चार आपको किस्म दे रखी है और चार आपको उत्पादन क्षेत्र दे रखे हैं। लहरदार संगमरमर राजसमंद में, बादामी संगमरमर जोधपुर में, गुलाबी संगमरमर जयपुर में और पीला संगमरमर जैसलमेर में। बताइए साथियों, ये खनिज संपदा से प्रश्न आया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है गलत है, मिसमैच है। साथियों शेयर लाइक तो बनता है भाई, ठीक है ना? अगर आप ये भी नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है मेरा आने का और आपका साथ जुड़ने का। लहरदार मार्बल, संजय जी बता रहे हैं ए। ओके ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों लहरदार मार्बल राजसमंद में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। बादामी मार्बल आपके जो है संगमरमर जो है जोधपुर में मिलता है, ये भी सही है। पीला संगमरमर जो है आपके जैसलमेर में मिलता है, ये भी सही है। लेकिन जो गुलाबी संगमरमर है ये आपके जयपुर में नहीं मिलता है, ये आपके कहाँ पर मिलता है? ये आपके बाबरमल और देवी माता क्षेत्र, बाबरमल और देवी माता क्षेत्र है जो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है, यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन सी क्या है? इसमें मिसमैच है भाई, ठीक है ना? गुलाबी मार्बल जयपुर में नहीं मिलता है, काला मार्बल मिलता है जयपुर में, भैंस लाना जयपुर में काला मार्बल मिलता है भाई, ठीक है ना? गुलाबी कहाँ पर मिलता है? बाबरमल और देवी माता जो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। साथियों बद्वासी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए, एस्बेस्टोस के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए या फिर मैग्नीज के लिए? जल्दी से बताइए कि भदवासी क्षेत्र किसके लिए फेमस है? भदवासी जो कि नागौर में है, जल्दी से बताइए भाई। मैसलाना जयपुर में काला मार्बल मिलता है, ठीक है ना? हाँ भरतपुर में भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो जाना जाता है, जो देखा जाता है ना, उसकी बात है। अच्छा सुनील जी बता रहे हैं ए, बहुत बढ़िया जिप्सम के लिए, शानदार। मोनू जी बता रहे हैं ए, संदीप जी बता रहे हैं ए, उमा ठाकुर जी। साथियों बड़ा आसान सवाल है ये, बिल्कुल सही है। ये आपके भद्वासी नागौर का जो एरिया है आपके किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है भाई। सभी का आंसर सही आया है रामचंद्र जी, आपका आंसर गलत दे रहे हैं आप, बिल्कुल रॉक। साथियों प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राज्य के किस जिले में है? अरे भैया रॉक फॉस्फेट नहीं है, जिप्सम है, जिप्सम है। ये बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े आंसर दोगे तो ऐसा ही होगा। बदवासी, फलसुंड और फिलनवासी, ये तीन क्षेत्र हैं नागौर के जहाँ पर जिप्सम निकलती है, जिसे हरसोंड भी बोलते हैं। बीकानेर के बिरसा सर, जाम सर और लूणकरन सर में जिप्सम निकलती है। कहाँ पर है भाई? 26
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राज्य के किस जिले में? बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहे हैं आप, सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल झुंझुनू में है और सभी दोस्तों का सही आया है ये आंसर। इस तरह से पढ़ाई करो कि आप सब लोग सही देते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि सभी के सभी आंसर सही दे रहे हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा, सलाम, बहुत अच्छी बात है। साथियों क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर और दौसा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है भाई? भाई बिरला इंस्टीट्यूट सबको पता है, सबका आंसर बिल्कुल सही आया है। बताइए भाई सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? ये तो ज्यादा टफ नहीं है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व नहीं पूछ रहा हूँ, लिंगानुपात पूछ रहा हूँ साथियों। डूंगरपुर में, धौलपुर में, जैसलमेर में या फिर दौसा में? साथियों ये आपके सामने ऑप्शन है बी, यानी धौलपुर जो है यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो आपके डूंगरपुर में है, 994। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर में है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? धौलपुर में है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल सही आंसर है आपका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? बताइए साथियों 895, 888, 999 या 875। साथियों ये वह टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। अगर आज विश्वास नहीं करोगे तो 6 तारीख को जब एग्जाम दे के आओगे तब विश्वास हो जाएगा। अगर ये टॉपिक कमज़ोर है इसका मतलब है सफलता की संभावनाएं कम हो रही है। ये तो देखो जो है सत्य बात है, लेकिन कड़वी भले ही हो लेकिन सत्य है। बिल्कुल संजय जी सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में है, सही कह रहे हो। संदीप जी बता रहे हैं डी, ओके। सीताराम जी बता रहे हैं ए, नीरज जी बता रहे हैं ए। 846 संदीप जी कहाँ पर, 846 कहाँ पढ़ के आए हो आप? दास सिंह शेखावत जी 875, आपने भी कहाँ पढ़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल जी सही बता रहे हैं आंसर बी। शैलेंद्र जी सही बता रहे हैं आंसर बी, बहुत बढ़िया। साथियों 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनका लिंगानुपात 888 है। कितना है? 888। साथियों ये तो बहुत ज़्यादा सवाल, ये जो प्रश्न है ये जनसंख्या में सबसे इजी प्रश्न है। 4 स्टेटमेंट का प्रश्न आ गया तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। जनसंख्या वाले टॉपिक को और खनिज वाले टॉपिक को, सिंचाई परियोजना वाले टॉपिक को और फिजिकल डिवीजन को, इन चारों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एक वन संपदा, इन 5 टॉपिक को तैयार करके ही जाना अगर आपका एग्जाम है तो। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है और कारण क्या है इसका? राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। बताओ साथियों कथन और कारण दोनों सही हैं? कथन सही है कारण गलत है, कथन सही नहीं है कारण सही है, या फिर दोनों ही गलत है? हाँ कोई बात नहीं स्टार कलेक्शन जी, दो ही प्रश्न है, मैं तो हफ्ते में एक ही दिन टेस्ट लेता हूँ आपके यूट्यूब पे, ठीक है ना, और यही देखता हूँ कि कितने प्रश्नों का आंसर सही दे पा रहे हैं आप लोग, और फिर क्या है जो सत्य बात होती है वो बता देता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा मिश्रा जी बता रहे हैं बी, उमा जी बता रहे हैं ए। साथियों जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान में जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, पश्चिमी राजस्थान में जनघनत्व बहुत कम है, बिल्कुल सही है। और जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, जहाँ पर जलवायु ज़्यादा अच्छी होगी, जलोढ़ मृदा होगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, और जहाँ पर जो है बलुई मिट्टी होगी वहाँ पर लोग कम निवास करेंगे। तो साथ ही कथन और कारण दोनों सही है, सभी दोस्तों का आंसर सही आया है ए। साथियों ये प्रश्न देखते हैं, देखें आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण महिला साक्षरता दर, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही है तेजल किंग, बहुत बढ़िया, सही आपका आंसर। रामचंद्र जी सही है, मोनू जी सही है, सुनील जी सही, आपका आंसर। इस प्रश्न का आंसर सही देना, ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है भाई? 49% है कि 52% है कि 45% है कि 41% है? ये थोड़ा सा टफ कह सकते हो आप इस प्रश्न को। अब यही देखना है कि कितने लोग जो है सही आंसर देते हैं और कितने नहीं देते हैं। रूपक जी बता रहे हैं ए, सुनील जी बता रहे हैं ए, राहुल जी बता रहे हैं बी। ओके, उमा ठाकुर जी बता रहे हैं ए, सीताराम जी ए। प्रॉफिट मिलेगा संजय जी, मुझे पता है प्रॉफिट आपको किससे मिलेगा और किससे नहीं मिलेगा, ठीक है ना? आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट किससे मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे तो सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सभी का गलत है, एक का भी सही नहीं है आंसर, सभी का आंसर गलत है, एक का भी आंसर सही नहीं आया है, समझ गए? यही तैयारियां है क्या आपकी? ऐसे ही राजस्थान टॉप करोगे आप? जब आपको जनसंख्या का टॉपिक पढ़ाया जाता है तब तो आपको लगता है कि सब कुछ आता है आपको, जब प्रश्न पूछा जाता है तब फिर ऐसे ही अंटसंट चलता रहता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या है? 45.8% यानी ऑप्शन सी। हाँ संजय जी, पहले तो आपने गलत बताया था, अभी आप सही बता रहे हो। रंजना स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों इसका आंसर क्या होगा? 45.8%, ठीक है ना? 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है? 45.8% है, 52.1% नहीं है। 52.1 क्या है? टोटल राजस्थान की महिला साक्षरता है, ठीक है ना? चलो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरी प्लस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त पढ़ाया जा रहा है मैप के साथ में, बहुत धांसू तरीके से, ठीक है? और 9 बजे मेरे लिए आप मेरे साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी की। ये डेली होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगते इसके। बिल्कुल रामचंद्र जी आपका सही आया है आंसर, इसका ये फ्री है, ये पैसे नहीं लगते इसके आपके, ठीक है ना? शाम को 5 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर और दोपहर में 1 बजे राजस्थान एग्जाम पर आप मेरे से मिल सकते हो साथियों। आज के लिए इतना ही है, इसे लाइक शेयर जरूर करना भाई और कमेंट करना आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है? और जो है ना, बिल्कुल राज सिंह जी बहुत बढ़िया। तो साथियों आज के लिए इतना ही था, आज के लिए 30 प्रश्न लेके आया था जैसा मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा संजय जी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, शिक्षित नारी सशक्त नारी। अब मैं कह रहा हूँ आप भी शिक्षित हो जाओ तो आप भी सशक्त हो जाओगे और जल्दी ही जॉब लग जाएगी आपकी, ठीक है? ठीक है साथियों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।